अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तुफैल अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग एक स्पेशल किस्म का व्लॉग है। आज मैं कोविड-19 की वैक्सीन लगा रहा हूँ। आज दोपहर 2 बजे की अपॉइंटमेंट मिली है मुझे, सो आई एम पिकिंग माई कैमरा टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज। हासल में जो कोविड वैक्सीन का सेंटर है वो इतियाज़ अरीना है, जो ये हासल सेंट्रम से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर है। तो आई विल बी यूजिंग बाइक टू गो देयर और तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में। सो वहाँ की सीन्स आपको दिखाता हूँ जाके। आधा रास्ता तकरीबन मैंने कवर कर लिया है और 900 मीटर हार्डली 7 to 8 मिनट्स में पहुंच जाऊंगा बाइक पे। और ये एक बहुत प्यारे से साइकिल रूट में जा रहा हूं और यहाँ पे बाईसाइकिल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है, तो मोस्टली लोग यहाँ पे बाइक प्रेफर करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करते हैं। तो तकरीबन सारी जितनी भी जगह यहाँ पर होती हैं आपको ईजीली वॉकेबल डिस्टेंस में या फिर बाइक पर आप आराम से पहुँच जाते हो। तो ये भी बहुत एक प्यारा सा बाईसाइकिल रूट है जिसमें मैं जा रहा हूँ। ये नज़ारे देखें आप। मैं वैक्सीन सेंटर जा रहा हूं और साथ में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देता जा रहा हूं। यहां बेल्जियम में 2 किस्म की वैक्सीन लग रही हैं, एक मोडर्ना है और दूसरी फाइज़र है। आपके पास चॉइस नहीं होती कि आपने कौन सी वैक्सीन आपने लगानी है। आप ऑनलाइन यहां पे जो वेबसाइट है वहां पे अप्लाई करते हो और आप जब कोई मतलब अवेलेबल प्लेस होती है आपको टाइम और आप अपनी अवेलेबिलिटी देते हो, उस अवेलेबल टाइम में कोई वैक्सीन अवेलेबल है, स्पॉट अवेलेबल है, तो आपको वेलआउट कर दिया जाता है। और प्लस जब आप एक्सेप्ट करते हो वैक्सीनेशन लगानी है आपने, तो आपको फिर वो किस्म बताई जाती है कि आपको कौन सी वैक्सीन लगेगी। तो मुझे मोडर्ना लग रही है और काफ़ी लोगों को यहाँ पे फाइज़र लग रही है। ये 2 किस्म की वैक्सीन लग रही है, फाइज़र और मोडर्ना। इतिहास अरीना मैं पहुंच गया हूं। मेरी अपॉइंटमेंट 2:28 की थी, तो मैं रफली तकरीबन 10 मिनट पहले पहुंचा। इट्स बेटर टू कम अर्ली देन लेट। और यहां पे स्पेशल डिजिग्नेटेड पार्किंग स्पेसेस बनाई गई हैं क्योंकि ये पहले कोई और स्पेस मतलब यूज़ होता था, इतिहास अरीना के कंसर्ट वगैरह होते थे। अब चूँकि यहाँ इसको कन्वर्ट कर दिया गया है फ़िलहाल के लिए कोविड वैक्सीन सेंटर पर, और यहाँ पर बाइसाइकिल की अलग पार्किंग दी हुई है और गाड़ी की भी बहुत बड़ी पार्किंग है। और आप देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी लोग आए हुए हैं वैक्सीन लगवाने हुए। तो आपको मैं अभी अंदर जाके दिखाता हूँ किस तरह का प्रोसीजर है और कैसे वैक्सीन लगाते हैं। हेलो, या आई हैव अपॉइंटमेंट टुडे फॉर द वैक्सीन। पार्किंग टिकट, आई हैव बाइक। ओके, या ये अभी लाइन में मैं लग गया हूँ। तो अभी यहाँ पे आईडी वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद फर्दर एक लाइन होगी वैक्सीन के, तो उसके बाद वैक्सीन लगाएंगे। और मास्क मैंने पहन लिया क्योंकि इट्स कंपल्सरी जब आप मतलब काफ़ी सारे लोग हों, क्योंकि वैसे मास्क की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई आजकल, लेकिन लोग जहाँ पे ज़्यादा हों फिर मास्क कंपलसरी है। इट्स माय कार्ड। या हेलो, या Okay. English? Follow the
out the arrows. Yeah. Okay. Okay. Hello. Here's my ID. This here? Yeah. Should I go like this way? Yeah. Okay. Thank you. Hello. Yeah. Should I wait here? Prima. Okay, no problem. Okay. Yeah. Okay, did you ever react allergically on a vaccination? No. Do you take pills for your blood? No. No. Do you have asthma? No. And did you ever have an operation here? No. Okay, that's all. Yeah. Keep this one in your hand because they will ask it afterwards. Okay. So then you can follow him. Okay. To ask first. Okay. Yeah. Not my face, that okay. Only the thing, yeah. Eh? Right? Yeah. वैक्सीन मुझे लगी है अभी 15 मिनट के वेट करने का बोला है वो वेट इसलिए करना पड़ता है कि अगर इसके कोई सीवियर साइड इफेक्ट्स आते हैं तो फौरन से आपको डील कर लेंगे तो अभी 15 मिनट वेट करूंगा और उसके बाद घर चला जाऊंगा 15 मिनट्स पूरे हो गए हैं अभी मैं उठ गया हूँ लकीली मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आए और अगर कोई सिम्टम आते तो मैं इतने जितने भी लोग मतलब ऑर्गेनाइज़र या मैनेजमेंट वाले खड़े हैं मैं उनको बताता तो वो फौरन से आपको डील कर लेते हैं इन केस यू हैव एनी सवेयर साइड इफ़ेक्ट या कोई किस्म की भी आपकी साइड इफ़ेक्ट्स आती हैं तो आप उनको बताते हो वो आपको डील कर लेते हैं अभी मैंने 15 मिनट वेट किया है तो किसी को भी किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं आया तो वैक्सीन आप भी लगाएं क्योंकि इसके गिर्द अगर आप देखें काफ़ी किस्म की मिथ्स बनी हुई हैं कि चिप लगा रहे हैं या फिर दिस एंड दैट बहुत किस्म की मिथ्स बनी हुई हैं मैंने लगाई है मुझे किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया और मैं भी आराम से आप देख रहे हैं आई एम गोइंग बैक